आई एवरी वन कैसे हैं आप लोग आई होप आपकी लाइफ जो है अच्छी चल रही है यू आर वर्किंग टू वर्ड्स योर गोज़ एंड यू गैज ए डूइंग फाइन तो मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज ओ टू आई एस एकेडमी और आगे बढ़ रहे हैं हम अपनी डेली रिविजन एंड वर्क सीरीज के साथ में जो लोग हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये उनको बेनिफिट करती है सिंस uh, इसमें हम हिमाचल के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं इससे पहले मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका पीपल एंड प्लेस इन यूज़ किया और आज जो है एनवायरमेंट का सेकेंड पार्ट हम लोग देखने वाले हैं पहले पार्ट में मैंने बात की क्लाइमेट uh, चेंज की जो कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है रिवर्स जो है uh, उनका फ्लो किस तरीके का है टेम्परेचर बढ़ा है एंड देन वी टॉक अबाउट दी ग्लेशियर मेल्ट ग्लेशियर्स का मेल्टिंग जो भी हुआ है आज मैं थोड़ा सा फ्यूल की तरफ जाने वाली हूँ जो जो पिछले एक साल में न्यूज रही हैं राइट right? तो आखिरी तक देखिएगा इन लेक्चर्स की अगर आपको पी चाहिए बाद में पढ़ने के लिए रिवाइज करने के लिए तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलती हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर एक कोर्स बना है एच पी एस प्रीलिम टेस्ट सीरीज तो आप उसके कंटेंट सेक्शन में जाके फ्री रिसोर्सेज से पी को डाउनलोड कर सकते हैं सो दैट विल हेल्प यू तो चलिए शुरुआत करते हैं तो एन्वायरमेंट जो है ना वो आपका प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है सिंस हिमाचल इज अ हिमालयन स्टेट वी फोकस अ लॉट ऑन एन्वायरमेंट कि हमें ग्रो भी करना है लेकिन हमें अपने इन्वायरमेंट को भी बचा के रखना है तो हमारी एक न्यूज़ आती है जिसमें कहा गया सेफ गार्डिंग द हिमालयन बायोडाइवर्सिटी इज अ अर्क्यूल टास्क यानी कि हिमालयन ये स्पेशली बात की जा रही है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की राइट right? तो इसमें बात की गई कि ये जो पार्क है इसमें डॉक्यूमेंट करना या फिर जो भी dive, आपके एनिमल्स या प्लांट्स uh, हैं uh, जो इंडेंजर्ड या फिर आगे बढ़ रहे हैं एक्सटिंक्शन की तरफ उनको बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अब ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ वहाँ पर बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ रहती हैं जैसे कि आपका वेस्टर्न ट्रोगोपैन आ गया ये जिसको हम जूजुराना के नाम से भी जानते हैं है ना फिर आ गया आपका मस्क डियर और दी हिमालयन थार ये आपका मस्क डियर अगेन इनकी जो पोचिंग है वो की जाती है और भी अगेन बहुत सारे थ्रेड्स इनके लिए यहाँ पर है वन ऑफ देम इज़ जो आपका डेवलपमेंट बेसिकली बढ़ रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एग्रीकल्चर के लिए ट्रेडिशनल ग्रेजिंग है वो की जाती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं हम लोग जगह जगह शुरू करते हैं अगेन जो पोचिंग है वो भी रहता ही है लेकिन उसके साथ में और भी बहुत सारे इस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इस बायोडाइवर्सिटी को सेव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है अब ये तो होगी आपकी थोड़ी सी मेन्स की बातें अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री में डायरेक्टली ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में पूछ सकते हैं अब ये कहाँ है तो ये बहुत बड़ा एक नेशनल पार्क है हिमाचल में इकलौता नेशनल पार्क है जो आपका कुल्लू में है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बंजार सब uh, डिविजन में है और वहाँ से कौन सी नदी बहती है तो वहाँ से ब्यास बहती है और uh, साथ में उसके 2010 में जो उसके पास वाली वैलीज थी तीर्थान वैली हो गई आपकी uh, सैंज वैली है उनको भी इसी नेशनल पार्क में जो है डाल दिया गया था बनाया इसको 1984 में गया था कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फॉर्मली नोटिफाइड इन 1999 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यहाँ पर बनाया गया बहुत सारी अगेन एज आई टोल्ड यू बहुत सारी प्लांट की स्पीशीज़ हैं बर्ड स्पीशीज़ हैं मैमल स्पीशीज़ यहाँ पर रखी गई हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है इंक्लूडिंग स्नो लेपर्ड एंड मस्क डियर एंड ट्रिपन एज आई टोल्ड यू अब एक और नई चीज़ हुई कि इसकी जो है नाइन्थ एनिवर्सरी भी मनाई गई तो इसको जब भी वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला था उसके बाद में जो है नौ साल यहाँ पर हो चुके हैं नाइन्थ एनिवर्सरी बनाए तो यहाँ पर ना दो दिन का एक इवेंट हुआ वो इवेंट का नाम क्या है इवेंट का नाम है विश्व धरोहर उत्सव तो डायरेक्टली आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि विश्व धरोहर उत्सव जो है किसके रिगार्डिंग मनाया गया पहला है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे कि बहुत सारे हमने अगेन अपने प्लांट्स उगाने हैं या दूसरा हो गया जो लाहौल इन स्पीति का कल्चर है उसको दिखाने के लिए फिर आपका नाइन्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट हिमालन नेशनल पार्क सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी दी नाइन्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट हिमालन नेशनल पार्क तो इसमें से यहाँ पर बहुत सारी एकेडमिक इसमें कॉन्फ्रेंसेस थे कल्चरल इवेंट्स थे लेक्चर्स थे जो कि एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर लिए Hence, आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क न्यूज में ओके सो द नेक्स्ट न्यूज इज स्टेट गेट्स ऑन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था हिमाचल जो है ना एनर्जी में काफी अच्छा परफॉर्म करता है या फिर जो भी आपके ग्रीन एनर्जी है उसकी तरफ मूव करने में पाइनियर रहता है जैसे इलेक्ट्रिकल बसेस सर्विस जो है वो सबसे पहली हिमाचल में चली थी तो अच्छा काम करता है तो इसी के लिए हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया जाए उस पर भी स्टेट के इनसाइट्स दिए अपने और आने वाले टाइम में उसके ऊपर पॉलिसी भी बनाई गई तो सबसे पहले कुछ चीज़ें यहां पर पता होनी चाहिए आपको कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है तो देखो ये तो हमें पता है कि आने वाले टाइम में हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा फ्यूल यूज किया जाएगा क्योंकि फर्स्ट थिंग हाइड्रोजन की कमी नहीं है इसको बनाया जा सकता है फ्रॉम डिफरेंट मीन सेकेंड थिंग इज ये जो है आपका एनवायरमेंट को हार्म नहीं करता है तो इसमें दो टाइप के हाइड्रोजन रहते हैं ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन जो आपके नेचुरल गैस है स्टीम रिफॉर्मिंग्स uh, है इनसे जो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है उसको ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलाइसिस इससे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं जब हम इसको स्टोर करते हैं तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया इंडस्ट्रीज़ uh, के जो भी आपके केमिकल्स हैं पावर जनरेशन तरह तरह के जो भी uh, काम हैं उनमें इसको क्या किया जा सकता है यूज़ किया जा सकता है तो हैंस हिमाचल के पास अब क्या चीज़ अबंडेंस में है वो है पानी पानी की जो कमी है वो कभी नहीं होगी काफ़ी सारी अवेलेबिलिटी है हम लोग ऑलरेडी इतनी सारी एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन का जनरेशन है इसको भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर शुरू किया जा सके अब इसको जो है शुरू करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी जिसके ऊपर ये पॉलिसी बनाई गई है तो ये जो पॉलिसी है ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है तो सबसे पहला क्या रहेगा टेक्नोलॉजी अब अगर हमें हाइड्रोजन क्रिएट करनी है ग्रीन हाइड्रोजन उसके लिए ये जो कंपनीज़ हैं हाइड्रोजन जनरेटिंग कंपनीज इनको अट्रैक्ट करना है उसके लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स होंगी सब्सिडीज़ होंगी आ, उसके अलावा जैसे हम बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गई वो सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर एटलीस्ट स्टार्टिंग में उनको कैंसिल किया जाएगा है ना और आ, हम बात करते हैं कि समर में जितनी भी हमारी सरप्लस एनर्जी रहती है उसको सारा का सारा हम डाइवर्ट कर सकते हैं क्योंकि हिमाचल बहुत सारी पावर जनरेशन करता है और स्टेट्स को भी देता है और स्टोर भी करता है तो उसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में इसी को गोल्डन पावर पॉलिसी भी कहा गया कुछ महीने के बाद में एक और न्यूज़ आई जिसमें कहा गया कि ये जो आपकी गोल्डन पावर पॉलिसी आएगी ना ये चार हजार करोड़ का एनुअल इनकम टारगेट कर रही है सिर्फ हिमाचल प्रदेश में यानी कि ट्वेंटी थर्टी तक आते आते अभी ये प्री फैक्ट्स हैं ट्वेंटी थर्टी ईयर जो है गोल्डन पॉलिसी क्या है ये कहती है कि बाई ट्वेंटी थर्टी एडिशनल जितना हम ऑलरेडी अपना पावर जनरेशन कर रहे हैं उससे दस हजार मेगावाट एक्स्ट्रा ग्रीन एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या हो गया आपका पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव हो गया किस किस तरीके से हाइड्रो सोलर और आपके ग्रीन एनर्ज, एनर्जी एनर्जी रिसोर्सेज से यहाँ पे एक आ, जो है टर्म यूज़ की गई है टर्म है आपकी वाटर बैटरी कि हिमाचल को ना हम देश की आ, वाटर बैटरी बनाना चाहते हैं वाटर बैटरी का मतलब क्या हुआ कि पानी की तो कमी नहीं है तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और और क्या होगा फिर <laughs> इन्वायरमेंट में जो है वो जितना भी अभी पोल्यूशन हो रहा है जो हम बेसिक अपने पेट्रोल डीजल ये वो इन चीज़ों से हट कर, नॉ आपके जो रीन्यूएबल रिसोर्स हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे तो इसके लिए ये जो कंपनीज है ये यहाँ पर आएंगी उनको बहुत सारे प्रोविजन जो हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है सेंट्रलाइज डेटा है आईटी का सपोर्ट रहेगा ये सारी के सारे जो भी ट्रांसमिशन है स्टेट उसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं तो स्टार्टिंग में जब भी कोई इस तरीके से नई टेक्नोलॉजी लाई जाती है तो क्या करते हैं कुछ फ़ायदे कुछ कह सकते हैं छूट जो है उनको यहाँ पर दी जाती है ताकि कम्युनिटी जो है उसको अपनाएं और आने वाले टाइम में वो सक्सेसफुल हो सके तो टूरिज्म को भी इसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा जैसे कि आपके वॉच टावर्स हैं कैंपिंग साइट्स हैं पिकनिक स्पॉट्स हैं और जो भी आपकी ये फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ किया जा सकता है तो ये था आपका ग्रीन हाइड्रोजन के रिगार्डिंग न्यूज़ फिर हमें एक और न्यूज देखने को मिलती है कि हिमाचल प्रदेश हरियाणा साइंस पैक्ट फॉर अ डैम टू रिवाइव सरस्वती रिवर अब मैंने तो अपनी दादी को बोलते है सुना है कि गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिले पराग है ना? तो सरस्वती रिवर जो है वो हमने कभी पढ़ी नहीं है इसका कोर्स कभी जैसे हम और रिवर्स का पढ़ते हैं वैसे देखने को नहीं मिला तो इसके बहुत सारे मान्यताएं हैं इसको श्राप दे दिया ये सूख गई और जो आपके अगेन जोग्राफिकली जियोलॉजिकली हम लोग देखते हैं तो कि बहुत सारी अगेन अलग अलग सीनारी आते हैं कि क्या क्या हुआ होगा तो हुआ ये कि हरियाणा में और हिमाचल का जो बॉर्डर है वहाँ पर कुछ आपके नदी नाले जो हैं उनको देखा गया उनको थोड़ा सा स्टडी किया गया और बोला कि यही आपकी सरस्वती रिवर थी जिसको हमको रिवाइव करना है अभी हिमाचल और जो आपकी हरियाणा सरकार है उन्होंने एम साइन किया कि एक डैम बनाया जाएगा जिसका नाम है आदि बद्री डैम ये हिमाचल प्रदेश में बनेगा लाइक बॉर्डर एरिया ही है 77 एकर्स नियर अबाउट 32 टू हेक्टेयर्स के पास में ये इतनी ज़मीन रहेगी जहाँ पर इसको बनाया जाएगा ये ना सिर्फ सरस्वती रिवर को हेल्प करेगा रिवाइव uh, करने में पर जो भी वहाँ का एरिया है उसमें वाटर कंजर्वेशन भी होगी तो अब ये हम सिंस पानी रोकना चाहते हैं तो कौन सी रिवर का ये पानी रोक रहे हैं तो ये है आपकी सोम रिवर इसका नाम है सोम रिवर और ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है तो ये है आपका यहाँ पर आदि बद्री डैम जो है बनाया जाएगा तो यहाँ पर जो आपकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो रहेगी हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और जो भी दोनों ये स्टेट्स यहाँ पर मिलकर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि डैम कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा लेट हो गया उसके बहुत सारे कारण हैं कारण ये भी है कि हिमाचल प्रदेश कहता है कि बहुत सारे एरिया जो हैं हम लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिससे सोम रिवर का पानी अगर रोका जाए तो जहाँ से वो बहती है वहाँ के लोगों को कुछ दिक्कत आ सकती है प्रॉब्लम हो सकती है तो यहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से उसको रिवाइव किया जाएगा लेकिन अगेन बाय द एंड ऑफ द डे यही था इसमें यही लिखा गया है कि आ, जो आपका डैम है वो किस किस विड से किस किस कैपेसिटी से वो यहाँ पर बनाया जाएगा तो डिफाइंड पर्पस जो है वो यही है कि सरस्वती रिवर को हमने रिवाइव करना है और जो भी विलेजेस हैं उनका इफेक्ट कम करना है यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा एरिया को अफेक्ट वहाँ पर ना करे यही मेन रीज़न रहता है लेकिन अगेन जब भी आपके डैम्स बनते हैं तो इस तरीके की चाहे कोई भी डैम बनता है इस तरीके की परेशानी होती है तो आने वाले टाइम में कोई इसके ऊपर न्यूज़ आए तो वो भी देखेंगे ठीक है तो आती है हमारी नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ न्यू जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स ऑफ हिमालयन रीजन इन इंडिया तो दो नए जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट जो है वो असाइन किए गए इनको आइडेंटिफाई कौन करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो कि ऐसे कौन से इतने इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट जियोलॉजिकली इतने इम्पोर्टेंट जगह है जिनको हमें मेंटेन करना है प्रोटेक्ट करना है तो एक तो उसमें से सिक्किम में थी और एक थी आपकी हिमाचल प्रदेश का शिवालिक फॉसिल पार्क अभी शिवालिक फॉसिल पार्क कहाँ पर है तो ये आता है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर बहुत सारे आपके फॉसिल्स शिवालिक्स के जितने भी मिले हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं ये एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है और माना जाता है कि सिंस हम क्या देखते हैं किस तरीके से हिमालयाज का फॉर्मेशन होता है अगेन आपकी जो कॉन्टीनेंटल प्लेट्स हैं वो आती हैं आपस में इस तरीके से बनती हैं सो so, माना जाता है कि शिवालिक्स के बनने से पहले भी जो प्री हिस्टोरिक व टिब्रेट फॉसल्स हैं वो यहाँ पर मिले हैं और उनको जो है यहाँ पर स्टोर किया गया है बहुत सारे जिसमें से आपके आ, ऐसे एनिमल्स भी हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए थे बिफोर द रिक्रिएशन ऑफ शिवालिक्स हैंस ये आपका पब्लिक का भी और जो आपके रिसर्चर्स हैं उनका भी यहाँ पर इंटरेस्ट जो है उसको बांध कर रखता है सो so, इसको अभी जियोलॉजिकल आपकी हेरिटेज साइट बनाया नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि धौलाधार नेचुरल पार्क जो नेचर पार्क है जिसको हम गोपालपुर जू के नाम से भी जानते हैं ये आपका कांगड़ा में गोपालपुर विलेज में है तो यहाँ पर अभी जो है रॉयल बंगाल टाइगर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इसमें बात की जाए अभी जैसे इसका नाम है धौलाधार नेचुरल पार्क या नेचर पार्क तो ये कहाँ पर होगा ये आपका धौलाधार रेंजेस में ही होगा तो ये आपका इस वाले एरिया में कहीं पर है ठीक है यहाँ जैसे आप पॉइंट पॉइंट पिन कर सकते हैं कि यहाँ पर यह है और बहुत सारी स्पीशीज़ यहाँ पर टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस की जाती हैं जैसे कि एशियाटिक जो लायंस हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया था और स्पीशीज लाने की बात कर रहे हैं देन इज आपके बहुत सारे और भी बर्ड्स हैं माइग्रेटरी बर्ड्स हैं रेडी शेलडक है देन वी टॉक अबाउट बार हेडेड गूज जबकि ये जू अथॉरिटीज़ हैं ये टाइम टू टाइम यहाँ पर नई नई स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहता है और सिंस ये ज़ू है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भी यहाँ पर आते रहते हैं तो अगेन आपको इसकी जो लोकेशन है वो पता होना चाहिए इसको गोपालपुर ज़ू के नाम से जानते हैं ये पता होना चाहिए नेक्स्ट आ गया हमारा पावर जनरेशन इन हिमाचल प्रदेश डिप्ट बाय फाइव परसेंट इन जून सो so, अगर आपने पिछले वाला पार्ट देखा है एनवायरमेंट का एनवायरमेंट का फर्स्ट पार्ट मैंने उसमें अच्छे से समझाया कि क्या क्या चेंजेस आए चेंजेस आए आपके मार्च अप्रैल मे इन दोनों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ देखने को मिले सिंस टेम्परेचर राइज़ हुआ ग्लेशियर्स मेल्ट किए ग्लेशियर्स मेल्ट किए तो ग्लेशियर लेक्स बने लेकिन टेम्परेचर उससे ज़्यादा राइज क्या है जून में आपके जुलाई में तो क्या हुआ सिंस आपके वेपरेशन भी उतनी ज़्यादा हो रही थी तो आपका पानी जो है हमें क्या देखने को मिला कम देखने को मिला पानी कम हुआ तो क्या हुआ जो आपका पावर जनरेशन है वो भी डिप किया यूजुअली हिमाचल में सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन गर्मियों में होता है क्यों क्योंकि आपके ग्लेशियर्स जो है वो थोड़े से मेल्ट होते हैं पानी उनकी ट्रिब्यूटरीज़ में आता है पानी ज़्यादा होता है पावर जनरेशन ज़्यादा होता है लेकिन इस बार जो टेम्परेचर्स हैं वो कोई कम राइज नहीं किए हैं लाइक अगर हम बात करें कि चेनाब बेसिन की तो उसमें जो आपका टेम्परेचर राइज़ किया है वो यूजुअल से आपके हम अप्रैल की अगर बात करते हैं तो एट परसेंट ज़्यादा इंक्रीज़ हमें बाय एट डिग्री सेल्सियस परसेंटेज नहीं सॉरी एट डिग्री जो है ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर राइज़ किया है हैंस पाँच प्रतिशत का जो है यहाँ पर आपका हमें डिप देखने को मिला पावर जनरेशन में आने वाले टाइम में और भी कोई रिपोर्ट आती है जैसे गर्मियाँ ख़त्म होती है जो कि होने का नाम नहीं ले रही हैं हिमाचल में तो कम है कंपैरेटिवली लेकिन अगर और जगह देखा जाए तो गर्मियां काफ़ी ज्यादा इस बार हुई तो उसके बाद में अगर कोई रिपोर्ट आएगी तो उसको भी हम देखेंगे स्पेशली क्लाइमेट चेंज के ऊपर पावर जनरेशन के ऊपर नेक्स्ट इज कंसर्न ओवर टॉक्सिसिटी ड्यू टू पेस्टिसाइड्स इन हिमाचल तो एक रिपोर्ट आई स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट ये लास्ट टाइम आपकी दो में आई थी तो भी बहुत साल के बाद में आई है और इसने बात की जो आपका स्टेट का इन्वामेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो ये देते हैं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर में जिसके बहुत नुकसान है ओब्सली हम बहुत बचपन में पढ़ना शुरू कर देते हैं कि uh, कौन से कौन से पोल्यूशन होते हैं और जो आपका पेस्टिसाइड है वो कौन से कौन से पोल्यूशन यहाँ पर करता है क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स रहते हैं एडवर्सिटीज़ रहती हैं तो अगेन पॉल्यूशन यहाँ पर हो रहा है वही वाली बातें हैं ये आपको जो है यहाँ पर लिखनी है अच्छे से इनके बारे में कि किस तरीके से इसमें जो हम ऑर्गेनिक इतनी बड़ी अपने मार्केट बना के रखे है हिमाचल ने उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है और जो आपका पॉल्यूशन है वो होता है लास्ट न्यूज है हमारी आज की दैट इज प्लास्टिक को बैन किया गया ऑल ओवर इंडिया सिंगल यूज प्लास्टिक को तो जैसा हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में तो बहुत पहले बैन हो गया था है ना इट वॉज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने प्लास्टिक का यूज़ बैन किया था आज भी वहाँ पर हमें प्लास्टिक की थैलियाँ जो है वो देखने को नहीं मिलती उसी तरीके से आपका जो बैन है सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन किया गया अगेन एकदम से ओवर द नाइट वाली चीज़ नहीं है ये कि एक दिन आपने जो है आप कुछ कप्स नाइव हैं ग्लासेस हैं प्लास्टिक वाले वो दिख रहे थे अगले दिन नहीं दिखेंगे इट इट्स अ ग्रेजुअल चेंज जो कि आने वाले दिनों में दिखेगा ये तो हम नेशनल लेवल पे ही पढ़ रहे थे लेकिन इसमें छोटी चीज़ जो जो हमारा योगदान रहता है वो है एक आपका जो यहाँ पर छोटा सा इनिशियटिव शुरू किया गया इनिशिएटिव है कि कुछ जो स्कूल हैं उनमें क्लब्स बनाए गए बच्चों को देने के लिए कि ये आपका क्लब है और आप जो है प्लास्टिक जो है इकट्ठा करके लाएंगे प्लास्टिक वेस्ट और जो गवर्नमेंट है फिर वो उन बच्चों से वहाँ पर उसको ख़रीद लेती हैं सो so, ये छोटे इनिशिएटिव्स रहते हैं प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए और फिर आगे जो है प्रोसेस करने के लिए क्योंकि गवर्नमेंट फिर उसको अपने हिसाब से यहाँ पर आ, क्या कर सकती है अगेन प्रोसेस कर सकती है रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकती है और सीमेंट प्लांट जो है वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है सो so, ये जो छोटे आपके अगैन इनिशियेटिव uh, रहते हैं ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं सो दैट इज़ इट फॉर टुडे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग